बालाघाट जिले के लाल वर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरपीबाड़ा में ग्राम को नशा मुक्त बनाने हेतु महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया। महिलाओं ने इसके लिए देवी शक्ति नशा मुक्ति अभियान समिति बनाई, जो विगत 2 माह से प्रतिदिन रात्रि 9 बजे ग्राम में भ्रमण कर ग्राम को नशा मुक्त करने का संदेश दे रही है। पहले इस नशा मुक्त समिति में 50 महिलाएं थीं, लेकिन अब इस समिति में लगभग 150 महिलाएं काम कर रही हैं। ये महिलाएं घर घर जाकर महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वे अपने पुरुषों को नशे से दूर करें। ग्राम के सरपंच संजय कटरे भी इस समिति को सहयोग दे रहे हैं। ग्राम में पहले 10 स्थानों पर अंग्रेजी शराब बिकती थी, लेकिन अब इसे भी कम कर दिया गया है। महिलाओं ने तय किया है कि जहां पर शराब बनाई जाएगी उस परिवार के विरुद्ध 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सूचना देने वाले को भी 2,000 रुपए का इनाम समिति देगी। इसके अलावा शराब पीने वालों के खिलाफ भी जुर्माने ठोके जाएंगे। एक पंचायत और महिलाओं के तौर पर लिए गए इस फैसले की पूरे मध्य प्रदेश में सराहना हो रही है। हमारे गांव में शराब बिकती भी थी अधिक मात्रा में और पीते भी थे बच्चे से तो बूढ़े तक के, जो मतलब बहुत ज़्यादा आदि हो चुके थे, और शराब माफिया भी मतलब उनको ज़्यादा आकर्षित करते थे पीने के लिए। इसी को सोचते हुए हमारे यहाँ महिला जागृति में कुछ मतलब महिलाओं में जागृति आई और उन्होंने 24 जनवरी से इस अभियान के बारे में ठाना और उसको 29 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाल करके गांव को पूरा जगाया, और जगाने के बाद में एक महिला समिति बनी, पुरुष समिति बनी, और उसके बाद में उनको जो अपने जो शराब माफिया जो थे यहाँ पर मतलब अनावश्यक बगैर कानूनी मतलब जो चलाते थे अवैध शराब बिक्री करते थे, उनको क्या किया कि मतलब 2 दिन का मौका दिया, 31 तारीख तक यानी 29 मतलब तिरंगा रैली निकाले, 31 को मतलब उनको समय दिया, और 1 तारीख से ये महिलाएं प्रतिदिन घूम रही है। जो हमारी महिलाएं शुरू में 50 थी, आज के दिन में कम से कम 100-150 महिलाएं और पुरुष भी उस समय 30 लोग से करीब करीब 50, 60, 70 और 100 करीब में जा रहे हैं आज की स्थिति में।